25 पे सुशील मोदी ने कहा है कि हम लोगों ने जब उन्होंने धार्मिक ग्रंथ के खिलाफ बोला तो आप लोग को भी कार्रवाई करने शिक्षा मंत्री के हम उनके बातों का जवाब हम नहीं देना चाहते हैं। ये सब कोई एजेंडा नहीं है, बेकार की बातें हैं। और ये सब कितना दिन तक आप लोग एक ही बात को लेकर के खींचते रहिएगा अपने, ये कोई एजेंडा है क्या? तेजस्वी जी, अश्विनी चौबे को बिहार में डर लग रहा है, कल रोने लगे और बोले हैं कि हम पर सरकार पर हत्या का आरोप लगाया, हत्या का आरोप लगाए हैं कि हम उनकी जान को खतरा है, वो कह रहे हैं मेरी जान को खतरा है। नहीं नहीं, आप देखिए पटना को ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर बनाए, ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा हमारा शहर हो, इसको लेकर के विभाग और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन पटना ने एक अभियान शुरू किया, जहाँ लगभग 630 जहाँ कूड़ा रखा रहता था उनको जो है वहाँ से साफ सफाई करवा करके हटा करके, आपने देखा होगा ये जहाँ आज हम लोग खड़े हैं एक पॉइंट वो है उसमें से, तो काफ़ी बेहतरीन ढंग से काम हुआ है। और पटना नगर निगम ने और जो अपने प्रधान सचिव हैं लोग लगे हुए हैं, पटना कमिश्नर नगर आयुक्त जो है वो लोग लगे हुए हैं कि पूरे बिहार में हम लोग जो हैं हर जगह जहाँ भी हमारा कार्य क्षेत्र रहे उसको हम ज़्यादा से ज़्यादा साफ सुथरा हम लोग रखने का काम करें, चाहे सौंदर्यकरण की बात हो, साफ सफाई की बात हो। तो उस हिसाब से आज लगभग जो है 26 जनवरी तक, क्योंकि 630 में से लगभग अब 40 या 85 बचे हैं ऐसी जगह स्थल, और कोशिश है कि 26 जनवरी से पहले उन जगहों को भी हम लोग साफ सुथरा कर लें। तो एक अच्छा अभियान है और साफ सफाई को लेकर के, क्योंकि कितना भी साफ सफाई विभाग करे लेकिन जब तक लोगों के बीच जागरूकता नहीं होगी, जब तक लोग खुद से पहल नहीं करेंगे, तब तक जो है पूरी तरीके से कामयाबी नहीं मिलती है। तो हम तो लोगों से भी अपील करेंगे कि अपने अपने शहरों में जो है साफ सफाई जो है वो किया करें, साफ सफाई होने से बीमारियां जो है वो भी कम होती हैं, क्योंकि जितना गंदा कचरा रहता है उससे कई जगह जो है बीमारी और इन्फेक्शन का डर बना रहता है। तो खुद को भी स्वस्थ रखें और शहर को भी साफ सफाई करके स्वस्थ रखने का काम करें। और पटना के साफ सफाई को लेकर के पिछले बार से इस बार जो है रैंकिंग में भी अभी बेहतरी हुई है, तो हम लोगों की कोशिश है कि पूरी तरीके से आने वाले समय में जो वेस्ट मैनेजमेंट जो पॉलिसी है उन सब चीजों पे काम विभाग जो है कर रहा है। लेटेस्ट खबरों के लिए देखते रहिए MUZ News और ताज़ा अपडेट पाने के लिए चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।